हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ स्टोन एंड मेंस क्लिनिक पुणे। रीसेंट वीडियोस में हमने शॉकवेव थेरेपी फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये एक नया और रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिया। तो काफ़ी पेशेंट्स ने मुझे लिखा, मुझे मैसेज किए या कॉमेंट्स में भी मुझे पूछा कि उनके दिमाग में कुछ डाउट्स है। तो ये आज का सेशन होने वाला है, पेशेंट्स के दिमाग में जो डाउट्स है या जो क्वेश्चंस है उसके मैं आंसर्स देने की कोशिश करूँगा। बहुत से पेशेंट्स ने मुझे पूछा है कि शॉकवेव थेरेपी के लिए आइडियल एज क्या है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि सर मेरी एज 52 है, क्या शॉकवेव थेरेपी मेरे लिए आइडियल है या मैंने करवानी चाहिए। तो एज फैक्टर इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप काफ़ी यंग एज से काफ़ी ओल्ड एज तक भी शॉकवेव थेरेपी करा सकते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा कि एक काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट है। तो ओल्ड एज में जैसे लोगों को डायबिटीज़, हार्ट ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके लिए काफ़ी दवाइयाँ बहुत से पेशेंट्स ले रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में डाउट रहता है कि मेरे एज में शॉकवेव थेरेपी कराना सही है या नहीं है। तो ये काफ़ी सेफ और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और आप ओल्ड एज में भी इसको करा सकते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि शॉकवेव थेरेपी के कितने सेशंस करवाने होते हैं। तो हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो फॉलो करते हैं, जिसमें 5 to 6 सेशंस हम लोग एडवाइस करते हैं। एवरी 5 to 7 डेज क्लिनिक में बुलाया जाता है और एक सेशन कंडक्ट किया जाता है। बहुत से पेशेंट्स का डाउट ये भी है कि शॉकवेव के दौरान अगर शारीरिक संबंध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप आपकी रूटीन सेक्सुअल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। पेशेंट्स को इसके साथ और भी एक डाउट है कि मेरा रूटीन लाइफ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मुझे 2-3 दिन आराम करना है या मेरे काम में कोई भारी काम मैं करता हूँ, वज़न उठाना पड़ता है, तो वो मैं कर सकता हूँ, मेरा ट्रैवलिंग है तो मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत से मेरे पेशेंट्स हैं जो आउट स्टेशन से आते हैं, तो वो ट्रैवल करके ही सेम डे अपने घर जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इसके बाद आपको कुछ एडमिट होना पड़ेगा, कोई इंजेक्शंस है, कोई पेन है, पेन किलर लेना पड़ेगा, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आज की रूटीन लाइफ काफ़ी हेक्टिक है, जिसमें पेशेंट्स काफ़ी बिजी है, तो पेशेंट्स का ये भी एक सवाल होता है कि सर इसमें टाइम कितना लगेगा। हार्डली इसको 8 से 10 मिनट लगते हैं। आपको कोई छुट्टी लेने का, ऑफिस लेट जाने का या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके दिए गए टाइम पे आ सकते हैं, जिससे आपको वेट करने का ज़रूरत नहीं है, और 8 से 10 मिनट के बाद प्रोसीजर हो जाता है, आप तुरंत उसके बाद जा सकते हैं। शॉकवेव के साथ क्या एडिशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग ड्यूरेशन से दिक्कत है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे एल-आर्जिनिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें लो डोज टाडालाफिल जैसी दवाइयाँ, जिसमें स्टैंडर्ड डोज होता है 20 mg, तो हम लोग 2.5 या 5 mg देने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका जो पेनिस में ब्लड फ्लो है उसमें सुधार करने की वो प्रोसेस जो है फास्ट करता है। और इसके साथ हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है जो आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस में आपको टीच करते हैं कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है, जिसकी वजह से भी आपको इरेक्शन होने में या इरेक्शन मेंटेन रहने में हेल्प होता है। तो ये कुछ डाउट थे शॉकवेव थेरेपी के प्रोसीजर्स के बारे में। अगर आपके दिमाग में ऐसे ही कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में शॉकवेव थेरेपी और मेंस हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने आएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।